बुधवार को देश भर में करवा चौथ के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में कई महिलाओं ने शिरकत की। त्योहार मनाने के लिए जम्मू शहर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मिसेज करवा चौथ 2023 प्रतियोगिता रखी गई। अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए शहर के कई हिस्सों से महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची। ये त्यौहार जो है आज यहाँ पर स्टेज पे सब डिफरेंट जगहों से जो लेडीज आई हैं और अपने एक संस्कार जो हैं वो शो कर रही है, दिखा रही हैं, और आज सब अपने कॉस्ट्यूम्स में अपने पूरी थालीज के साथ, व्रत की थालीज के साथ आई हैं। तो ये प्रतीक है कि हम त्यौहार सारे कितनी खुशी से मनाते हैं। सजी धजी महिलाएं हाथ में करवा चौथ की थाली लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक दिखाई दी। उन्होंने इस तरह के आयोजन का हिस्सा बनने और खिताब जीतने की उम्मीद के साथ अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैंने इस वाली फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले 8 दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। घरों में पति हमारे साथ रहते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लुधियाना में भी करवा चौथ के मौके पर महाराजा होटल में कार्यक्रम रखा गया। इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर लेडीज, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस इन अ वेरी गुड वे। वी आर सेलिब्रेटिंग इट इन द महाराजा विद द कोलैबोरेशन ऑफ लक्ष्मी लेडी क्लब, लेडीज क्लब एंड मिसेस लीना शर्मा। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन दिस फंक्शन, लाइक वी हैव करवा क्वींस कॉन्टेस्ट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट, लाइक age wise, and after that we have Saas Bahu contest and Devrani Jethani. It was a nice experience. I guess it is the most awaited festival amongst the women, and we really enjoy it. We are eagerly waiting ki mehndi lagwane jayenge. We sit around 3 o'clock, raat ke 3-3 baje tak baithte hain, mehndi lagwate hain, and then we wait for our sargi khane ka time, and then to get ready, wear our bangles. These all girly things, we all love it. रांची में भी महिलाओं को हंसते गाते देखा गया। पंजाबी भवन में महिलाएं इकट्ठी हुईं और अपने ही अंदाज में त्योहार मनाया। बहुत अच्छा लग रहा है, पहला करवा चौथ है मेरा, तो सुबह से बहुत एक्साइटेड थी इस दिन के लिए, और पहले से ही एक्साइटेड थी, बल्कि आज सुबह तो और बहुत मजा आया। पूरे दिन फास्ट रख के और अब पूजा करके सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब लोग से आशीर्वाद भी लिया बड़े लोगों से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पतियों की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए चांद के दीदार तक व्रत रखती हैं।